डीप लड़की। हे व्हाट्स अप गाइस, मैं विरन मीन। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग है। टच और गेस माय बॉडी चैलेंज, मतलब जो भी आप बोलना चाहो वो हमने ट्राई किया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज रियली अमेजिंग। बहुत ही फनी है, तो एंड तक जरूर देखना। बट गाइस उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लेके आया हूँ। स्पेशली उन यंगस्टर्स या तो फिर उन लोगों के लिए जो कि जॉब से इफेक्टेड है कोविड के वजह से, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म लाए हूँ। एक एप्लीकेशन लाया हूँ जो कि हायरेक्ट। यस गाइस, हायरेक्ट एक पहला चैट हायरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे जॉब सीकर्स रिक्रूटर्स से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं बिना हफ्तों का रिस्पॉन्स का वेट किए। इट्स जस्ट लाइक व्हाट्सएप फॉर हायरिंग। हायरेक्ट में आप जॉब ढूंढ सकते हो, टॉप इंडियन स्टार्टअप्स के साथ एंड डिसीजन मेकर्स के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। और आप इसी ऐप में से डायरेक्टली आप इंटरव्यूज भी दे सकते हो क्योंकि इसके अंदर फैसिलिटीज है जहां पे आप वीडियो इंटरव्यू या फोन इंटरव्यू आराम से दे सकते हो। हायरेक्ट की शुरुआत हुई थी एक सिंपल से मिशन के साथ जहां पे वो यंग पीपल को हेल्प करना चाहते हैं ताकि वो सक्सीड हो सके अपने जॉब्स में, जिसकी शुरुआत होती है बाय चूजिंग द राइट जॉब एंड द मैनेजर। हायरेक्ट के साथ जॉब सीकर ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फ्यूचर मैनेजर के साथ एंड ज्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हैं। अब गाइस पहले तो आप एक डेट नोट कर लीजिए जो कि है 25 सितंबर, क्योंकि हायरेक्ट में उस दिन होने वाला है जॉब फेस्ट। अभी जॉब फेस्ट है, इट इज वन ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि ये है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव जहां पे मल्टीपल कंपनीज आएगी अपने सूटेबल कैंडिडेट को हायर करने के लिए। ये जो 25 सितंबर को जॉब फेस्ट होने वाला है वहां पे 50 से ऊपर कंपनीज आने वाली है एक साथ हायर करने के लिए अपने कैंडिडेट्स को। जॉब फेस्ट इवेंट का थीम ये है कि इफ योर जॉब इज अफेक्टेड बाय कोविड देन जॉइन द बिगेस्ट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड टॉक विद द रिक्रूटर्स डायरेक्टली। इस जॉब फेस्ट में कंपनीज हायर करने वाली अक्रॉस द डोमेन्स, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, डेटा एनालिटिक्स है, प्रोडक्ट मैनेजर है, यूआई और यूएक्स है, डिजिटल मार्केटिंग ऑपरेशंस है, बिजनेस डेवलपमेंट एंड बहुत कुछ। तो गाइस लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इनकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड ऑल्सो गाइस इनकी ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी जाओ एंड डाउनलोड करो एंड गो एंड फाइंड योर परफेक्ट जॉब। हायरेक्ट से आप डायरेक्ट बात करो रिक्रूटर से। टेक केयर एंड गाइज, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद आप चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ जो कि आप मुझे मालूम है बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, तो लेट्स गो फॉर इट। लॉट्स ऑफ लव। हे व्हाट्स अप गाइज, मैं विरन मीन। तो गाइज आज हम लेके आए हैं एक चैलेंज जो कि हम पहली बार करने वाले हैं एंड पहले बहुत बार सोचा था हमने कि ये चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट हमने बोला यार जब हम किसी भी चीज को डिसेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं तो हम इसको भी कर सकते हैं। वैसे कोशिश जरूर करेंगे। Yeah, let's try कि हम इसको डिसेंटली प्रेजेंट कर पाए। तो गाइस ये चैलेंज का नाम है टच माय बॉडी चैलेंज और इसमें करना ये होता है कि हमारे पास है ये ब्लाइंड फोल्ड जो कि पहनने के बाद भी ये ब्लाइंड जैसा नहीं लग रहा। वैसे पहले इसको समझा देता हूँ, अंकिता को नहीं पता है इस चैलेंज के बारे में तो मैंने अंकिता को बेसिकली बता दिया, पर आपको भी बता देता हूँ। फिंगर की टिप होती है ना, सिर्फ टिप, उसको पकड़ के सिर्फ टच करवाऊंगा मैं मेरी बॉडी के किसी भी पार्ट में एंड मैं मतलब सेम चीज अंकिता करवाएगी, बट सिर्फ टिप, ना उसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, ना हाथ लगा सकते हो, ना फिंगर को रोल कर सकते हो। सामने वाले को गेस करना है कि कौन सा बॉडी पार्ट है, उसी हिसाब से पॉइंट। 5 बार मैं करूंगा, 5 बार अंकिता करेगी एंड देखते हैं कौन जीतता है। एंड आप शुरू हो जाओ नीचे कमेंट में कि आप लोग किस तरफ हो, हैशटैग टीम हिरेन अमीन या हैशटैग टीम एंके मिश्रा। Anyways, guys, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट एंड गाइस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बाकी चैनल्स को यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर लेना, काफी सारे अच्छे कंटेंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी सबके आपको। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कौन स्टार्ट करेगा पहले? मैं कर लेती हूँ। आई हाय सामने से बोला लेडीज फर्स्ट। ये चीटिंग कर रही है गाइस। चल चल, इसमें जेल पैड भी है तो मैं कैसे चीटिंग करूंगी। फर्स्ट राउंड रेडी है? तेरा फोर है? What? नहीं। हाँ तेरा फोर है डेरी रहे? No. देख देख निकाल के। तो गाइस अंकिता नहीं करता है गेस। देख कुछ नहीं दिखता इसमें तो। हाँ रेडी है? आई एम रेडी। ओके करवा तो सही ठीक से। करवाए तो सही। ये हर चीज में ना चीटिंग क्यों करती है तू? कहाँ चीटिंग कर रही है? टच करवा के रखना होता है या फिर ऐसे ऐसे करना होता है कि ऐसे टच करके छोड़ नहीं देना होता है? तेरी फिंगर? फिंगर मेरी? हाँ फिंगर है। तुम कुछ भी बोल, एक बोल। फिंगर? फिंगर। हाँ अब देख वो तेरी फिंगर ही है ना पर।
वो फिंगर नहीं था, थंब था, ठीक है। और जो पेन था, नेकल था, तो हिरन भी हार गया, मतलब ही हार गया। ठीक है चलो। और ये क्या योगा कर रही थी बैठे बैठे यहाँ पे? स्ट्रेचिंग है। ठीक है अच्छा ले ले, ठीक है। एक कोई पॉइंट नहीं मिला अब तक। ऐसा लगता है यार कि बहुत इजी है। हाँ देख सुनने में इजी लगता है, ट्राई करना बहुत टफ है। रेडी? वापिस कर। ये है ना चीटिंग करने की ट्राई मत कर। नहीं कर, ये है ना? नहीं एक बार करना, ज्यादा चांस नहीं ले सकता। ये चीटिंग करेंगे, ये ना ऐसे ऐसे करने की ट्राई कर रही है झूठी। यही लग रहा है मुझे। देख उंगली दे, अब खोल। इट्स ऑल इन द माइंड। इतना बुरा भी कैसे आ सके दोनों तरफ से। सही में आई एम रेडी। ठीक है दूसरे फ्लोर पे ले जा रही है क्या? छी छी, क्या गंदा गंदा था। करवा यक। क्या था ये? देर मांग के नीचे का। अब देख उंगली। छी छी क्या? हिंदी ये ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रही थी। तो क्या छी छी क्या? छी लड़की। हाँ छी क्या? और अभी तक कोई कोई पॉइंट नहीं जीता है। आठ साल रहे हम। छी प्लीज माता जी शक्ति देना। क्या ही है? तेरा होठ है टंग? What? नहीं या नाक? एक बोलना होता अंकिता। नाक नाक या नाक के आसपास के कोई? एक बार ऑफिस देख। नाक या नाक के आसपास के कोई चीज देखता। बीगा नहीं है कुछ भी, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, एसी के जैसे। चल ओके। ये कपड़े निकालने की आवाज कहाँ से आई? नहीं कपड़े निकालने की आवाज नहीं है। फिर कोई अजीब सी फीलिंग वाला आ रहा था। ऑफिस का ये लास्ट है? ऐसा थोड़ी होता है। उंगली पक्का? देख बे घुट। इतना ऐसे लिसा लिसा क्यों लग रहा है घुटना? क्योंकि मैं सॉफ्ट हूं इसलिए। सीरियसली हम लोग के तीन तीनों में कोई भी नहीं जीत पाया है भाई। ऐसा ना हो के पास जो में कोई ना जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा ना हो सब लोग क्वेश्चन करे। आप लोग सच में एक दूसरे को जानते हो? सच में रिलेशनशिप में थे? ठीक है मैं बहुत टाई वाली चल रही है।
ये ऑफिस यही ऑफिस ऑफिस हाँ वही है खोलो क्या था हट यार अंकिता एक पॉइंट मिला अंकिता को उंगली नहीं दूंगा दे मैं नहीं देता रेडी सॉरी क्या कर रही है अरे सॉरी मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ टच करूँ तेरे कराऊ तेरे को जल्दी एक मिनट करवा रही हूँ हीरे गुदगुद ही नहीं करने के रेडी कुछ भी टच ही नहीं हुआ क्या बात कर रहा है कुछ टच ही नहीं हुआ ना ओके ठीक करो अच्छे से लगा हाय उंगली तोड़ मत मेरी टच तो करवा कुछ तो कम से कम टच नहीं हो रहा तेरे को नहीं हो रहा है सॉरी ये ना हाँ यार मैंने इयररिंग भी निकाल दी एक तरफ एक पॉइंट मेरे को मिला मैं टेंशन में आ गया मुझे 0 पॉइंट जाऊंगा मैं टाई हुई टाई हो गया अब लास्ट है ना हाँ जीतना है लास्ट जय माता दी सॉफ्ट सॉफ्ट है फिंगर यार तू है ना चीट करने की ट्राई मत कर मैं नहीं करता ये चीज ये चीटिंग करने की ट्राई कर रही है फिंगर नहीं देख देख खोल के एक सेकंड मुझे आप नहीं अब हो गया अंकिता हो गया ये गलत चीज है एक बार ही मैंने बोला तूने बोला नहीं एक बार ही बहुत बार हो गया मैंने एक बार बोला फिंगर कौन सा है यार जल्दी कर नहीं पता चला मैं बोला कुछ बहुत सॉफ्ट मतलब ट्राई नहीं कर सकता ट्राई निकालना पड़ेगा उसके लिए तो स्ट्रेट यार अब मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा इवेंट ना जा जज कर पाए लास्ट गाइस मैं गेस करता हूँ तो मैं जीतूंगा अगर नहीं गेस कर पाता तो हमारा ड्रॉ हो जाएगा ये क्या कर रही है ये क्या चक्कर उंगली को चक्कर आ जाएंगे वे कंफ्यूज कर रहे थे मेरी उंगली को चक्कर आ जाएंगे हो गया अरे क्या है मुझे नहीं फील हो रहा है वापिस लास्ट ऐसा नहीं होता मैंने तेरे को बोला कभी ऐसा लास्ट नाक शिट नाक था प्लीज दू आ गया अब क्या हो गया गदर चल ऐसा नहीं होता हमें जो तो ऐसे जीतते ना ना गाइस हो गया चैलेंज प्लीज एक बार तो करना पड़ेगा मैं नहीं करूंगा इस बार अंकिता देख चैलेंज होती 5 बार नहीं ना ना हो गया देख 1:30 हो रहा है निकलना प्लीज चल प्लीज एक बार नहीं प्लीज एक बार ओके ओके गाइस एक और बार कर रहे हैं पर ये काम नहीं होगा नहीं काम तेरे सेटिस्फेक्शन मिलेंगे गलत बात है नहीं नहीं तो मैं नहीं खेला मैं खेलूंगा ही नहीं तो बैठे ही बैठे ओके गाइस तो मैं जीत गया हूँ एंड आप प्लीज सब्सक्राइब द चैनल मैं नहीं करने वाला बोल नहीं काउंट होगा नहीं नहीं काउंट होगा तो नहीं काउंट होगा ठीक है चाहे तो सोच नहीं लेना क्या
इतना हार्ड हार्ड सा ये हो गया गैस कर लिया हाँ नहीं दिखा देख वाह इतना हार्ड ये हार्ड ही होता है अंकिता दुनिया में सबका जीत गया हूँ ये चैलेंज एंड अंकिता का एक पॉइंट मेरे हुए दो पॉइंट एंड अब क्या करना अंकिता मैं हार गई हूँ तो गाइस इस वीडियो को अगर बहुत सारे लाइक्स आएंगे ना हम ये चैलेंज और इसका लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे सर्च करूंगी तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल हिट द लाइक लाइक द वीडियो एंड प्लीज कमेंट करो एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना बाकी यूट्यूब एंड यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर लेना एंड जितने लोगों ने #ENAMIN लिखा है नीचे वीडियो देखते देखते लव यू ऑल और जिन्होंने एंकी लिखा है उन लोगों को भी बहुत सारा लव यू पप्पी दी और अभी भी डी मार गई है एनीवेज गाइस टेक केयर लॉट्स ऑफ लव हैव फन सी या